हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अपना चैनल पर स्वागत है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही दुख भरा है, चलिए लास्ट तक बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आज मंडे है तो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले आके मेरा जो पौधा है बालकनी में उसको मैं देखती हूँ, थोड़ा सा उनको टच करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैं फिर थोड़ा फूल लेने के लिए नीचे जो गाछ लगाई हूँ वहाँ पे थोड़ा चली जाती हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधों को थोड़ा देख के किसमें क्या पानी देना होता है उसमें दे के मैं फिर आ जाती हूँ फूल थोड़ा सा ले के। यहाँ पे देखिए मेरा ये पारिजात वाला फूल है जो अपराजिता बोलते हैं, कोई कोई अपराजिता बोलते हैं, कोई कोई क्या और कुछ भी बोलते होंगे, मुझे इतना पता नहीं है। और ये एक टाइप का फ्लावर है। और फ्लावर लेके आने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद ये मेरा एक ड्रिंक है जो मैं बनाती हूँ, इसको सब भिगो के आधा घंटा 45 मिनट्स ऐसे भिगो लेती हूँ, फिर थोड़ा सा वार्म रहता है तो उसको पी लेती हूँ। यहाँ पे मेथी है, धनिया है, अजवाइन है, जीरा है और पान मधुरी है। ये सबको मैं हाफ टी स्पून जैसे ले कर गर्म पानी में भिगो लेती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ आधा घंटा 45 मिनट तक, और उसके बाद मैं फिर पीऊँगी इसको। और अभी चलते इसको भिगोने देते हैं। अभी थोड़ा सा घर झाड़ू वगैरह लगाना था और ये जो सब डेकोरेशन का सामान वगैरह रहता है उसको सब तो थोड़ा बीच बीच में झाड़ना भी पड़ता है क्योंकि बहुत डस्ट होता है। ये देखिए कितना सारा डस्ट पूरा लग गया है, मुझे 15-20 दिन हो गया था ये सब साफ़ नहीं हुआ था। अभी उसको साफ़ करके अभी जैसे कि फेस्टिव सीजन तो आ गया है और इसीलिए थोड़ा झाड़ू ये सब लगाना पड़ता है, झाड़ना वगैरह होता है। और ये मेरा बेटी का डॉल है, यहाँ पे कितना क्यूट लग रहे हैं। अभी वो सब होने के बाद यहाँ पे मैं सार के लिए चाय बैठा दी हूँ, वो अभी अभी उठ गए हैं। अभी टाइम हुआ है 6:37 आसपास, 7 के आसपास हो गया है। अभी चाय बैठा के उधर बेटा के लिए भी खाना रेडी कर दे रही हूँ, वो अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगा, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। अभी वो तैयार होके निकल गया, मैं भी उसको थोड़ा छोड़ने के लिए जा रही हूँ। रुको रुको, मैं आ रही हूँ छोड़ने के लिए। उसका थोड़ा बुखार है, 2-4 दिन से बुखार था तो उसको थोड़ा सा ये हो रहा था। एक तो एग्ज़ाम मिस हो गया उससे, वो बाद में देगा, सर के साथ बात हो गई है। और अभी मैं उसको छोड़ के तो थोड़ा सा रास्ते में और जो फ्लावर वगैरह होगा थोड़ा सा देख दुख के आऊँगी। फिर शाम को उठाना है सुबह का पूजा के लिए, क्योंकि मेरा तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही फ्लावर है और बाकी सब ये फ्लावर तो सब भगवान के पास नहीं लगता है, इसलिए मैं फ्लावर ले आती हूँ। चलिए बातों बातों, तुम्हारा रूम किस तरह पड़ा है? फ़ोन पकड़ लिया था उसका, स्कूल में आके पहुँच गए हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। स्कूल से आके मैं पूजा करने लग गई थी। ये मेरा जो कलश है ये हमेशा मेन डोर का सामने रहता है, मैं हमेशा बैठाती हूँ उनको, शुभ माना जाता है इसको बैठाने से, भरा हुआ कलश। थोड़ा सा फूल डाल देती हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं ये जो भिगो के रखी थी अभी थोड़ा सा लुक वार्म है, अभी इसको मैं फटाफट से पी लेती हूँ। इसका टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं लगता है, आपका हैबिट हो जाने से थोड़ा मेथी डाला होता है तो थोड़ा तीता तीता लगता है, हैबिट हो जाने से अच्छा लगेगा। अभी तुरंत ही मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, आज उपमा बनाऊँगी। सब काट कूट के रख दी हूँ, अभी फटाफट से बना के, अभी हो गया है 8:30 जैसे आसपास हो गया है तो हस्बैंड खा के जाएंगे ऑफिस। आज आ गए हैं बेटी का दोस्त, अभी करीब हो गया है 10:30 बजे। बहुत आज खेले दोनों, अभी मेरा बेटी कुछ उसका था थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, वो उसको दोस्त उसको समझा देता है कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो। अभी कितना सारा खेल वो खेल रहे हैं, इनका खेल देख के तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि भले ही ये फैंसी आइटम नहीं था उस टाइम पे, लेकिन हम लोग को जो नारियल होता है, नारियल का जो सेल होता है, वो सब लेके हम लोग कटोरा वगैरह बना के खेलते थे। इनको देख के किस किस को अपना बचपन याद आया है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा हम लोग, ये उसका मम्मी है, हम लोग थोड़ा फ़ोटो खींच लिए, वो दोनों दोस्त फ़ोटो खींच लिए हैं।
अभी टाइम हो गया है लंच का। लंच तो बन ही गया था मेरा, और ये सब जो फ्रायर्स वगैरह है वो तो थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं खाने के टाइम पे ही इसको फ्राई की हूँ। अभी दोनों बैठ गए हैं और खाने से पहले थोड़ा पूजा कर रहे हैं भगवान को थोड़ा, तो अभी उसको मैं उन दोनों को खाना खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद फिर थोड़ा सा सोएंगे क्या, आज तो मुझे नहीं लग रहा है दोनों सोने वाले हैं, क्योंकि दोनों दोस्त जब मिल गए हैं तो सोएंगे नहीं मुझे लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इनका खाना ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग भी लंच कर लेंगे बड़े लोग। अभी खाना ख़त्म करके यहाँ पे आ गए हैं, वो लोग पानी पी रहे हैं, दोनों चीयर्स चीयर्स करके पानी पी रहे हैं। मैं बीच में आके देख रही हूँ तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, खिलौना सब मतलब बेड का कवर ही उड़ गया है कहाँ पे, इतना वो लोग खेल रहे हैं। देख के मज़ा भी लगता है बच्चे लोग जब खेलते हैं। अभी तो दोपहर में सोए नहीं, फिर 4 बजे रेडी हो गए। वो उसका दोस्त जो आया था उसका मम्मी छोड़ के चली गई थी, वो लोग एक्चुअली आए थे ट्यूसडे, उनका घर में पूजा है तो थोड़ा बुलाने के लिए आए थे। बेटी का फिर भी बुखार है 2-3 दिन से, लेकिन थोड़ा सा उसका दोस्त आया था करके अच्छे से खेल लिया। जाते जाते अभी थोड़ा फ़ोटो खींच लिए दोनों, क्योंकि ये मौका अभी उन दोनों को कभी नहीं मिलेगा एक साथ, तो क्यों नहीं, आप लास्ट में बने रहिए, लास्ट तक देखेंगे, क्यों मौका नहीं मिलेगा उन लोगों को। अभी हम लोग आके उनका घर में पहुंच गए तो देखे तो उनका जो बालकनी वगैरह में उनका घर का जो ओनर है वो सब, ये कितना सारा पौधा सब लगा है, मेरा तो देख के दिल खुश हो गया। मैं देखती रही हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं लेके जाऊँगी, उनमें से एक मुझे मिला जो मैं बहुत पहले से ढूंढ रही थी, तो वो मुझे निकल के दे दिए है। बड़ा खुश हो गया मेरा मन जो मुझे मिल गया। अभी ये जो पौधा है मैं उसको लेके घर में लगा दूंगी, आपको बाद में उसको शेयर करूंगी। ये वाला पौधा उसको मदर ऑफ कुछ ऐसा बोलते हैं, मदर ऑफ प्लांट या ऐसा कुछ, थाउजेंड ऑफ मदर ऐसा बोलते हैं शायद। और मैं वहाँ से आ गई वो पौधा लेके, और अभी बेटी को लेके जा रही हूँ उसका डांस क्लास में छोड़ने के लिए। तो रास्ते में मुझे जो फ्लावर मिल गया उसको मैं उठा रही हूँ। अभी करीब हुआ है 4:45 ऐसे, उनको डांस क्लास में थोड़ा सा छोड़ के वहाँ पे, फिर जब लेने के लिए गई तो देखा तो उनका डांस भी चल रहा था, तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के रही। अभी शाम हो गया, शाम को थोड़ा बच्चों को स्नैक्स वगैरह दे के उनको पढ़ाने के लिए बैठा दी हूँ। अभी मैं रात के लिए डिनर के लिए काट कूट के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज सार बनाएंगे, हस्बैंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसका रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और एक वीडियो में। अभी नेक्स्ट डे मैं जैसे बोल रही थी कि उनका घर में पूजा था, तो सुबह का टाइम पे तो नहीं आ पाई क्योंकि बेटी का बहुत बुखार था। अभी शाम हो गया तो आ रही हूँ, और ऐसा मैं बोल रही थी ना, हम लोग जो नहीं मिल पा रहेंगे क्योंकि वो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं। मेरा बेटी का ही मुझे सोच सोच के बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि वो इतना दोस्त था उसका, स्कूल में साथ में बैठना, पास में बैठना, दोनों मतलब टिफ़िन शेयर करके खाना, बहुत दुख लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, मैं मतलब बोल भी नहीं सकती हूँ। अभी बोलते बोलते मुझे रोना भी आ रहा है। आप लोगों के साथ किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो आप महसूस कर सकते हैं कितना बुरा लगता है कोई अगर इतना दोस्त बन के रहने के बाद अगर छोड़ के जा रहा होता है तो। बस बेटी का थोड़ा बुखार था करके उसको लास्ट टाइम उसका दोस्त के साथ नहीं मिलाने ले पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। खैर कोई बात नहीं है, अगर भगवान ने चाहेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं दोबारा से मिलना जुलना हो जाएगा। तो ये तो ज़िंदगी का पड़ाव है, उसको छोड़ छाड़ के सबको तो आगे बढ़ना ही होता है। और बस इतना ही कहूँगी, आप सब जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, आप लोग देवांशी पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ो, और हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।